शनिवार को भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की घोषणा कर दी है। हरियाणा की बात करें तो यहां 27 सितंबर को उम्मीदवारों के नॉमिनेशन फाइल किए जाएंगे और 21 अक्टूबर को मतदान होंगे, जिसके बाद 24 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों की घोषणा हो जाएगी। लेकिन जैसे ही चुनावों की घोषणा हुई है, वैसे ही राजनीतिक पार्टी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने शनिवार को चुनावों की घोषणा होने के बाद एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने भाजपा को घेर लिया। चलिए आपको दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा के चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा हो चुकी है। 21 तारीख का मतदान और 24 तारीख को चुनाव की मतगणना है। हम चुनाव आयोग की इस घोषणा का स्वागत करते हैं। न केवल हरियाणा में परंतु झारखंड और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस पार्टी विजयी भी होगी और एक ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी की जिसका सार मंदी और तालाबंदी बन गया है, एक ऐसी सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के द्वारा बनाई गई सरकार है और पूंजीपतियों के द्वारा चलाई जा रही सरकार है, उस सरकार का के दांत खट्टे करने का जनता संकल्प ले चुकी है और इस चुनाव में वोट की चोट से उन्हें संपूर्ण जवाब मिलेगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।